हमारी जेब में रखी है, जेब में नहीं रखी, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। जेब में थोड़ी रखी है तुम्हारी बेटी, जो लाकर दे दें, ये कहना है कोतवाल साहब का। पूरा मामला नोएडा से है। जेवर कोतवाली क्षेत्र के गांव जेवर खादर उर्फ मढ़ैया की रहने वाली कक्षा 12वीं की नाबालिग छात्रा का 5 दिन बाद भी सुराग नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को कोतवाली पहुंचकर घेराव किया। जेवर कोतवाल मनोज कुमार सिंह को ये नाकवार गुजरा। कोतवाल के बोल बिगड़ गए और 2 वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो गए। आप खुद पहले सुन लीजिए, फिर मामले की बात करते हैं। हम अपने घर में रखे क्या? आपको नहीं, हम फिर धमकाने तो है लोग लेकर ढंग से बात करो ना सर। हम धमकाने नहीं आए, हम तो बात कर रहे हो ना, बात कर रहे हो ना। भीड़ लेकर के आओ, बोरा लेकर के आओ, बैठने था ना। हमारी बच्ची को ला दो, हमारी जेब में रखी है, जेब में नहीं रखी। हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रयास करो तो 6 दिन हम परिवार में 6 दिन रह गया। जाने में पड़ पड़े लाओ उठा। कल भी लड़की के बाप कहाँ गया? जैसा कि आपने सुना, कोतवाल यहां साफ तौर पर कहते हुए सुना जा सकता है कि जेब में रखी थोड़ी है, जो लाकर दे दूं। कोतवाल ने फरियादी से कहा कि लड़की गायब है तो भाई जेब से थोड़ी दे दूं। बात यहीं नहीं रुकी, कोतवाल मनोज ने फरियादी और इसके परिचित को कोतवाली से वापस भगा दिया, कहते हुए सुने गए हट चल भाग यहां से। फरियादी कहता रह गया कि समाज की लड़की गायब है, तो कोतवाल ने कहा समाज के ठेकेदार हो, भागो यहां से। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। बच्ची जो है 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, जो कि गायब है, 5 दिन से ज्यादा का समय होने को है और अब तक उसका पता नहीं लग पाया है। 13 दिसंबर को आरोपित विकास कानीगढ़ी गांव पहुंचा, अपने साथी के साथ मिलकर बच्ची को बहला फुसला कर अगवा कर ले गया, ये आरोप है। स्वजन ने उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पीड़ित पिता शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचता है, 13 दिसंबर को मामला दर्ज करता है, छात्रा की तलाश शुरू की जाती है और उसके बाद जब पूछने के लिए पहुंचता है, ग्रामीण परेशान हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद कोतवाल के ये बोल अपने आप में बेहद दर्द देने वाले हैं, क्योंकि पुलिस पर लोग विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि वही उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का जवाब अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।